नाम जप करो, सात्विक भोजन करो, ध्यान भी लगने लगेगा। ठीक है ईश्वरी जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत स्वरूप श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पराभक्ति के लक्षण क्या हैं और पराभक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? चित्त वृत्ति का बाह्य विषय चिंतन त्याग करके अपने इष्ट में तन्मयाहा, तन्मय हो जाना, इतना तन्मय हो जाना कि मैं स्मरण करता हूं इसका भी विस्मरण हो जाए, जो बचा वो पराभक्ति का फल है। चाहे उसे ब्रह्म कहो, ज्ञान में, योग में परमात्मा, भक्ति में भगवान, प्रेम में लाड़िले। अपने लाड़िले में इतना तन्मय हो गया, अपने प्रभु में इतना तन्मय हो गया कि अपनी भी विस्मृति हो गई। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी हूँ, सुधिना रहे, एक रहे नंदलाल। ये भक्ति का स्वरूप है, ये परम भक्ति का फल भी है, यही साध्य है, यही साधन भी है। चित्त वृत्ति का बाहर भटक करके विषय सुख भोगना, विषय चिंतन करना, यही सबका सर्वनाश है। सबका, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इसी से पतन हो जाता है। क्योंकि जहां हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारी विषय आसक्ति बढ़ती है। जब हमारा मन विषय क्रियाओं में लग जाता है तो हमारी दुर्गति हो जाती है। हम पराभक्ति का स्वरूप यही समझें कि जिधर हमारी दृष्टि जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में, हमको ये अनुभव में आए कि जब पहले वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं था तब श्री कृष्ण थे, जब ये वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे, तो मध्य में श्री कृष्ण ही हैं। जैसे जब आभूषण कोई नाम रूप धारण नहीं किए था तब स्वर्ण था, और जब वो कुंडल, कंकण, हार, करधनी, ये विविध आभूषण के रूप में और नाम में संबोधन किया गया तो भी जौहरी की दृष्टि में वो स्वर्ण ही है। ऐसे ही हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान सच्चिदानंद भगवान ही है। जिसको ऐसा अनुभव हो गया वो पराभक्ति के फल को प्राप्त हो गया। पराभक्ति किंचन मात्र भी अन्य चिंतन ना होना, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, केवल अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय हो गया, उसे कहते हैं। उसे ही भगवान गीता जी में कहते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो भगवत अनुभूत हो गया, ब्रह्म अनुभूत हो गया, तो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। अखंड प्रसन्नता कब प्राप्त होती है? जब हमारी इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं, मन संकल्प रहित हो जाता है, किसी भी कामना का हृदय में लेश मात्र भी प्रभाव नहीं रहता, विषय से कामना, कामना से विक्षिप्तता, ना कोई विक्षेप है, ना कोई आवरण है, ना कोई मल है, तो अखंड प्रसन्नता अंतःकरण में जागृत होती है। उसी प्रसन्नता में परमात्म साक्षात्कार होता है। जो अखंड प्रसन्नता है वही ब्रह्मभूत है, जो ब्रह्मभूत है वही अखंड प्रसन्न है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचते न कांक्षत, कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं। अब ये स्थिति प्राप्त करने के लिए सद्गुरुदेव का वरण, उनके द्वारा बताई हुई उपासना से चित्त को बार बार संसार से हटाकर आराध्य देव में जोड़ना, ये अभ्यास दृढ़ हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। अब कहने में तो कम समय लगा, लेकिन इसका अभ्यास करने में जन्म जन्म मुनि जतन कराए। आपका अभ्यास कितनी जोर का है तभी पता चलेगा। बोले हमें भगवत प्राप्ति कब हो जाएगी, तो आपका अभ्यास किस कोटि का है वैसे अनुभव में आएगा। जैसे एक आदमी ने कहा कि शानहल जोत रहा था कि स्टेशन कितनी दूर है, तो उनका 15 किलोमीटर है। बोले कितनी देर में पहुंचेंगे, वो चुप हो गया। बोले कितनी देर में पहुंचेंगे, फिर चुप हो गया। वो भागा, जब भागा तो उसने कहा इतने घंटे इतने मिनट में पहुंच जाओगे। तो बोले पहले क्यों नहीं बताया, बोले चाल नहीं देखी थी तुम्हारी, अब चाल देखी अब पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही तुम्हारी चाल क्या है, तुम कितना अपने चिंतन को संभाल कर आराध्य देव में लगा पाते हो, तो वही पराभक्ति, तत्वबोध, आत्म प्रेम, भगवत प्रेम, ये सब शब्द के केवल वाच्य हैं, वो एक ही बात है। जैसे ज्ञान में मैं ब्रह्म ये अनुभूत होती है, तो भक्ति में अपना विस्मरण होकर केवल प्रभु का अनुभव होता है, एक रहे नंदलाल, एक केवल हमारे आराध्य देव रह गए, अपना भी विस्मरण हो गया। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही हमें ना जान परे कान है कि प्राण है, बस यही ब्रह्माकार वृत्ति होती है, यही भगवदाकार वृत्ति होती है। तो हम खूब नाम जप करें, अपने गुरुजनों के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से चले,
एक भी क्षण हमारा मन बहिर्मुख होकर अधर्म आचरण ना करा पावे, इतनी सावधानी रखें तो हमें पराभक्ति का लाभ मिल जाएगा, अर्थात हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। जब तक विकारों में मन भ्रमण कर रहा है तब तक पराभक्ति क्या साधारण भक्ति भी नहीं है। जब हमारा मन निर्विकार हो जाए, काम क्रोध मदमान न मोहा लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी धज्जियां उड़ा दी भगवत चिंतन के प्रभाव से, न छल है न कपट है न मैं है न मोर न तय है न तोर, माया का प्रभाव खत्म, अब उनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। जिस भाव से चलो वो ऐसे अनुभव करा देते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे तिन तैसी। पहला, विषयों के संयोग में इंद्रियों को सुखी ना होने देना। दूसरा, किसी भी तरह से विषय चिंतन की छूट ना देना। तीसरा, हर समय सावधान होकर अपने इष्ट का नाम निरंतर चिंतन करना, हो सके तो रूप का ध्यान करते हुए नाम जप करना, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। चौथा, सर्वत्र अपने भगवान की भावना करना, मेरे प्रभु सब रूपों में जड़ चैतन्य में वही विराजमान है। अगर ऐसा किया जाए तो पराभक्ति जागृत हो जाएगी और उसका फल प्रकट हो जाएगा, वो ब्रह्मभूत हो जाएगा, वो वासुदेवास्वरमिति ऐसा भाव आ जाएगा, वो सीए राम में सब जग जानी ऐसा भाव आ जाएगा, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत ऐसा भाव आ जाएगा, जिस भाव वाला है उसका भाव सिद्ध हो जाएगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पाए जी? एडम किंडलर जी हंगेरी से।